बेपनाह प्यार में क्या कुंती ही है बानी की कातिल? आखिर अब बार बार ऐसा शक क्यों गहरा रहा है कि आखिरकार शक की सुई जाके टिकेगी कुंती पर और कुंती ही बानी की असली कातिल निकलेगी जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। दरअसल इसके पीछे तीन ऐसे संकेत हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुंती सबको हैरान करते हुए बानी की कातिल निकल सकती है, और वो कौन से तीन बड़े संकेत हैं आइए आपको बताते हैं। पहला संकेत, शो में कुंती कर रही है अजीबोगरीब एक्टिविटीज। जी हाँ, जिस वजह से ऑडियंस की शक की सुई कुंती की तरफ जा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है कुंती का अजीबोगरीब एक्टिविटीज करना। शो में जहाँ वो एक तरफ हद से ज्यादा भोली बन रही है तो वहीं वो कभी खुद को इतना बीमार दिखाती है कि किसी का शक उसकी तरफ ना जाए, और साथ ही एक तरफ वो सभी को मना करती है कि कोई भी बानी के कमरे और बेसमेंट में ना जाए, तो वहीं दूसरी तरफ वो खुद वहां पहुंच जाती है। साथ ही उसने जब बेसमेंट का कमरा सील करवाया ताकि कोई भी सच तक ना पहुंच सके, तब ऑडियंस का शक और गहरा होता चला गया, और शो में जिस तरह से कुंती की एंट्री करवाई गई है उससे एक बड़ा संकेत जाता है कि कुंती बानी की कातिल हो सकती है। दूसरा संकेत, असली बेटे का प्यार बना गुनाह करने की वजह। जैसा कि आपने शो में देखा कि रघुबीर मल्होत्रा फैमिली का बेटा नहीं है, साथ ही रघुबीर जिसको बड़ी माँ यानी कुंती को कहता है उससे भी उसका कोई रिश्ता नहीं है, और कुंती का असली बेटा हर्षित है। तो ऐसे में हो सकता है कि कुंती के ये सब करने के पीछे अपने असली बेटे का प्यार छिपा हो। जी हाँ, जैसा कि आपने देखा, जब से बानी रघुबीर की लाइफ से दूर हुई है रघुबीर ने अपना सारा बिजनेस सब हर्षित के हवाले कर दिया, और सारी चीजें अब लगभग हर्षित ही देखता है। यानी हो सकता है कि कुंती ने ये सारा प्लान हर्षित के साथ बैठकर बनाया हो, क्योंकि बानी के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी रघुबीर की हो गई है, और कुंती अच्छे से जानती है कि रघुबीर की कमजोरी बानी थी, और बानी के मरने से रघुबीर पागल सा होने लगा था और वो कंपनी पर भी ध्यान नहीं देता है, जिसके बाद अब कंपनी को धीरे धीरे टेक ओवर हर्षित कर रहा है। और तीसरा संकेत, नेगेटिव होते ही सुधा चंद्रन करती है धमाका। जी हाँ, कुंती का रोल प्ले करने वाली सुधा चंद्रन स्पेशली अपने नेगेटिव किरदार के लिए ही जानी जाती हैं, और टीवी पर सुधा चंद्रन जब जब नेगेटिव होती हैं शो में धमाका जरूर करती हैं। नागिन में तो यामिनी का किरदार निभाकर सुधा ने काफी सुर्खियां बटोरी। यामिनी का असली रूप भी नागिन में धीरे धीरे खुला था, और हो सकता है कि बेपनाह प्यार में भी इनका राज धीरे धीरे हम सभी के सामने आए, और ये भी हो सकता है कि नागिन की तरह एकता कपूर ने इस शो में भी कुंती का रोल कुछ इस तरह का ही रखा हो। बस तो ये थे वो तीन बड़े इशारे जिससे बानी के कातिल की सुई कुंती की तरफ जा रही है। और शो की ट्रैक की बात करें तो आपने देखा कि बानी जिंदा है और प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो प्रगति बनकर लौटी है ताकि वो पता कर सके कि उसे किसने मारने की कोशिश की है। वेल, फिलहाल तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कुंती ही बानी की असली कातिल निकलेगी और शो में उसका भोलापन बस एक दिखावा है? तो लिखिए अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में।